नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल यामी जीके टीवी पर स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया और अनोखा साधारण ज्ञान प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर एक, WhatsApp का आविष्कार किसने और कब किया था? चलिए इस सवाल के लिए आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए ब्रायन एक्टन, बी जॉन कॉम, सी बेन स्टॉक 2009 में, डी बोथ ए एंड सी। हाँ, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। व्हाट्सएप का निर्माण ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने किया था 24 फरवरी 2009 में। इसी वीडियो में आपको आगे बहुत सारे अननोन एंड इम्पॉर्टेंट ज्ञान मिलने वाला है। प्लीज अंत तक वीडियो में बने रहे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के बारे में कमेंट में कुछ लिख देना भूल मत जाना प्लीज। दूसरा सवाल, चिल्लिका झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। चिल्लिका झील उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ये ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। करीब 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में ये झील मौजूद है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। सवाल नंबर तीन, कौन सा पौधा लगाने से सांप नहीं आते हैं? सर्पगंधा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सर्पगंधा एक ऐसा पौधा है जिसको लगाने से सांप कभी नहीं आते हैं। सवाल नंबर चार, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी शात्रिका वंश, सी कुरु वंश, डी मौर्य वंश। सही उत्तर है ऑप्शन ए शाक्य वंश। दोस्तों, गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बाद में वो ध्यान के माध्यम से बुद्ध बन गए। यूपीएससी लेवल सवाल, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी वल्लभभाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सी राजगोपालाचारी। आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद सवाल नंबर छह, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किरण बेदी। सवाल नंबर सात, ये एक पौराणिक यानी माइथोलॉजी प्रश्न। किस नक्षत्र में श्रीराम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था?
तुम्हारे लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरा आषाढ़, बी उत्तरा फाल्गुनी, सी पूर्वा आषाढ़, डी पूर्वा फाल्गुनी। सटीक उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। नंबर 8, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों, ये सवाल 2015 में SSC एग्जाम में आया था। पृथ्वी की इसी जगह पर है ये गंभीरतम ट्रेंच। सवाल नंबर 9, इसी तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या आप बता सकते हो कि ये जगह किस देश में है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्वे, बी कंबोडिया, सी पेरू और ऑप्शन डी है आइसलैंड। उत्तर है ऑप्शन सी पेरू। सवाल नंबर 10, ये है आपका अंतिम यानी शेष प्रश्न। वो कौन सा जीव है जिसका दिल दिमाग में होता है? ऑप्शन ए समुद्री ऑक्टोपस, ऑप्शन बी समुद्री केकड़ा, ऑप्शन सी है मकड़ी, ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्री केकड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्री केकड़ा। हाँ दोस्तों, हाँ आपने सही सुना, जवाब है समुद्री केकड़ा यानी सी क्रैब। ये एक ऐसा जीव है जिसका दिल उसके दिमाग में होता है। दोस्तों, इसी विशाल काय ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारे रहस्यमयी ज्ञान भरा हुआ है, जिस ज्ञान को कोई नहीं जानता। इसीलिए ज्ञान को अनंत यानी इन्फिनाइट बोला जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट GK वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।